के साथ ही जमकर पत्थरबाजी की, जिसको लेकर पीड़ित कार्तिक राठौर ने मामला दर्ज करवाया। इस तरह आरोपियों पर विधायक पुरी और वैशाली नगर पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज हुई। ये तो रहा घटनाक्रम, अब जरा आपको घटना के आरोपियों के बारे में बता देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आरोप है कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा वक्त में जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रताप सिंह खचरियावास के भतीजे हर्षदीप खचरियावास पर क्लब में मारपीट का यह पहला वाक्य सामने नहीं आया है। हमने अपने पहली ही लाइन में उन लिक्स के बारे में बताया है, जिससे आप पुराने मामले के बारे में जान सकते हैं। खैर, वो दौर था जब प्रताप सिंह खचरियावास सरकार में मंत्री थे, और जब उनसे इस मामले पर पूछा गया था तो देखिए उनका क्या तर्क था कि उनके भतीजे ने तो महज बीच बचाव किया था, उसे तो इसका इनाम मिलना चाहिए। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। सरकार बदली है, लेकिन राजस्थान में चाहे अपराधी हो चाहे भतीजे, लगता है उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई है।